अरे ये क्या, पत्थरों के बीच में वहां एक मछली फंसी हुई है। ये क्या बात हुई, नदी में इतनी जगह रहने के बावजूद तुझे तैरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। रुक जा, आता हूँ, तुझे वहां से निकाल देता हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ काफी पानी है, मैं यहीं जाल फेंक कर देखता हूँ। मछुआरे भाई हा? कौन है बीच नदी में, मुझे कौन आवाज दे रहा है? मछुआरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे देखिए, मैं हूँ। अरे ये तो एक मछली है। अरे ये मछली तो बात भी कर रही है। क्योंकि मैं असल में एक मछली नहीं हूँ। तो फिर तुम क्या हो? मैं एक गंधर्व कन्या हूँ, मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ। मछुआरे भाई तुम सिर्फ अच्छे ही नहीं हो, तुम तो न्यायवादी हो और दयालु भी हो। तुम्हें आज से इतनी तकलीफ उठाकर मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ये क्या बात हुई, अरे अगर मैं मछली ही नहीं पकड़ूंगा तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? इससे ही तो मेरी गृहस्थी चलती है। तुम तो अब से जाल से नहीं बल्कि बंसी से मछली पकड़ोगे। नदी पर आकर तुम अपनी बंसी फेंकना और तुम्हारी बंसी में एक सोने की मछली खुद फंस जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिन में सिर्फ एक बार ही बंसी फेंकना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ। देखो आज मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये सोने की मछली। ओ मछली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी मेरे पास आ जाओ। अरे क्या हुआ, आज बहुत मछली मिली है क्या? ये देखो भाग्यवान, मैं आज क्या लेकर आया हूँ, देखो। ये क्या है, सुनहरे रंग की मिट्टी की मछली? अरे सुनो सुनो सुनो, ये नकली नहीं है, सोने की मछली है ये असली। क्या सोने की, आपको ये कहाँ से मिली जी? तो अब लगता है तुम्हें कल की कहानी बतानी ही होगी। वही पता चलेगा इसकी कीमत कितनी है। सुनिए आप क्या सो गए हो? अरे सो गए हो या जाग रहे हो बताइए ना। अरे मैं शांति से सो भी नहीं सकता। मैं पूछती हूँ कि क्या आप उन 2-4 सोने के सिक्के को बेचकर उससे अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे? आपको क्या कुछ भी समझ नहीं आता क्या? क्या मतलब? मतलब ये है, हम लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में ही गुजार दी है, लेकिन क्या हमारे बच्चों को भी यही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? क्यों ना हम लोग शहर में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद कर उस पर अपना एक घर बनाएं, हाँ? फिर हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी करेंगे, उसके बाद वो लोग अपने पसंदीदा व्यापार करेंगे, वो लोग विदेश में भी जाएंगे। आपने कभी ये सब सोचा भी नहीं? है? सच में कभी नहीं सोचा है, और ना सोच कर मैंने अच्छा ही किया है। यहाँ से चले जाने के बाद हमारी कमाई कैसे होगी ये बताओ। इसी वजह से आज तक आप कुछ कर नहीं पाए हो, अभी तक आपने सिर्फ ये घर ही तो बनाया है। कभी सोचा है कि आपके न रहने पर हमारा क्या होगा?
या फिर आप ये चाहते हो कि आपके बाद हम लोग बस मछली ही बेचे और कुछ काम न करें? आखिर तुम चाहती क्या हो? सुनिए, आप एक बड़ी जाल फेंकिए, आप एक बार में ही ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लीजिए, एक झटके में ही इतनी सारी सोने की मछली की मदद से हमारे पास शहर में घर, जमीन, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप हर महीने एक बार ही जाल फेंका कीजिएगा और उसके बाद हमारे सारे खर्चों का भुगतान करने के बाद हम सारे पैसे बैंक में रख देंगे, हमें उस पर ब्याज भी मिलेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मछली ने मुझे जाल फेंकने से मना किया है और बंशी भी मैं एक बार ही पानी में फेंक सकता हूँ। अरे जाल फेंकने पर ढेर सारी मछलियाँ उसमें फंस जाएंगी, बस एक बार ही की तो बात है। आपने क्या कसम खा के रखी है कि आपसे जो कहा है आप वही करोगे? अपनी बुद्धि का भी जरा इस्तेमाल किया करो, आप कल सुबह ही जाल फेंकोगे और जितनी मछलियाँ फंसेंगी उसमें सारा काम होगा। इतने दिनों में मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई। सच में मैं हर दिन एक एक मछली पकड़ने के बजाय अगर एक दिन जाल ही फेंक देता तो हमें अमीर बनने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता। सच में शहर की वो आराम वाली जिंदगी छोड़कर यहाँ गांव में इस तरह रहकर जिंदगी जीने का कोई मतलब है? हाँ, यहाँ तो पानी बहुत गहरा है, यहीं पर जाल फेंक कर देखता हूँ। अरे अरे बाप रे, मेरे जाल में क्या पत्थर अटक गया है? भला कोई मछली भी इतनी भारी होती है क्या? मैं तो इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ। जा, ये क्या, मेरी तो जाल ही फट गई। मछुआरे, तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही तो मैंने तुम्हें इतना सारा इनाम दिया था, लेकिन तुमने मेरी शर्त को ना मानकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें दिया हुआ सब कुछ मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। हाय 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 हाय, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्या हुआ, ये क्या हो गया भाग्यवान? हाँ, हमारा जमा किया हुआ सारा सोना गहना सब कुछ मिट्टी में मिल गया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब मेरी गलती है, ये सारी गलती मेरी ही है, मेरी लालच की वजह से हमारे पास जो था सब कुछ चला गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।